नमस्कार भाई दोस्तों, आज सबसे पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा, वीडियो देखना और पूरा देखना, और उससे भी ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। क्यों? क्योंकि जितने महीने साल हो गया आपको बार बार आगाह करते करते कि बचना इनसे, ये कोई ऐसा खेल खेलने वाले हैं जिससे हरियाणा पंजाब की जो एकता बनती जा रही है ना वो टूटेगी। और केंद्र सरकार ने वो कहते ना तुगलकी फरमान, तानाशाही फरमान जारी कर दिया है। अब आप देख लेना थोड़े दिन के बाद ये होगा कि हरियाणा पंजाब की जो एकता बनी है ना वो सोशल मीडिया के जरिए और गोदी मीडिया के जरिए पूरे तरीके से तोड़ दी जाएगी। जो पिटारे में सांप रखते हैं ना, सांप रखते पिटारे में, ये दो ही सांप है इनके पास पिटारे के अंदर, उनको ये बार बार नए नए तरीके से बाहर लेके आते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हरियाणा और पंजाब की जनता को खास तौर से जागरूक होना और अपनी एकता को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना। अब पिटारे से नया सांप निकल कर आ रहा है, कौन सा? SYL। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट के जरिए आदेश जारी होता है, ये सबको पता है। केंद्र सरकार कभी भी अपने आप से कोई आदेश जारी नहीं करती, बीच में सुप्रीम कोर्ट को लिया जाता है। नया आदेश जारी हो गया, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री मिलकर बैठक करेंगे 14 तारीख को, और SYL के बारे में विचार विमर्श किया जाए कि SYL का पानी हरियाणा को दिया जाए। पानी जा कहाँ रहा है ये तो सबको पता, ना हरियाणा को मिल रहा ना पंजाब को मिल रहा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, इनकी सोशल मीडिया की टीम एक्टिव हो जाएगी, वो हरियाणा के तरफ से भी ID बनाएगी और पंजाब वालों की तरफ से भी ID बनाएगी। हरियाणा वालों की तरफ से बनाएगी, हाँ पूरा पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, पंजाब को नहीं देंगे, और पंजाब वालों की तरफ से ID बनाएगी कि टुपका नहीं देंगे, इस टाइप के आप देखना कमेंट शुरू हो जाएंगे और वही लोगों की मनोस्थिति को क्या बिल्कुल खराब कर देंगे, ऐसी खराब कर देंगे कि जो हमारे जैसे भाई भी और भाई भी तो जोर लगा रहे हैं ना कि हरियाणा पंजाब की एकता हो जाए, उस एकता को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा। या हो सकता है कोई सा मुख्यमंत्री साहब ऐसा बयान दे दे, या पंजाब वाला दे दे या हरियाणा वाला दे दे। पंजाब का मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था सबको पता है, जो बार बार गुरु की बेअदबी हो रही है उसके लिए कोई एक्शन ले लिया क्या? कल भी सबको पता है बाबा बुद्धा दरबार साहिब में जो हुआ है, बाबा बुढ़ा सिंह के जो दरबार साहिब में हुआ वो सबको पता है, वहां पर सभी पहुंच गए। क्या मुख्यमंत्री साहब ने कोई बयान जारी किया कि ये क्यों हो रहा है? और सबसे वही पुराना खेल, जैसे ही बंदा मिल जाता है जिसने बेअदबी की वो मेंटली हरासमेंट मिलता है, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं पाती, ये बार बार हो रहा है। आप लोगों को बार बार आगाह किया जा रहा है, बिल्कुल बार बार, और खुल कर भी बता लिया कि आपके साथ ये होगा, फिर आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्यों इनके खेल में फंस जाते हो? उसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, उसका इतना बड़ा रीजन है जो आज तक आपकी समझ में नहीं आया होगा। आज आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज समझा देंगे ताकि आपको बार बार ना समझाना पड़े। उसके लिए ना वीडियो आप पूरा जरूर देख लेना, बाद में आप जो कमेंट करके अपनी राय रखते हो रख देना, वो आपकी बाद की बात है, लेकिन आज है ना पॉइंटों को समझो। जैसे ही आंदोलन चला सबको पता, आंदोलन में सबके दिल मिले थे और वो दिल आज तक मिले हुए हैं, वो दिल कैसे अलग अलग करने हैं ये भी सबको पता है। किसानों को अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, उनको मिला क्या? MSP मिल गई क्या? मारे मारे फिर रहे हैं, चाहे पंजाब के किसान हो या हरियाणा के किसान हो, पानी उनको समय पर नहीं मिल पा रहा, पानी की कमी वैसे होती जा रही है, फसल जैसे पकने लगती है जो इंद्र देवता भी तभी मेहरबान होता जब फसल पककर तैयार हो जाती है, ये भी तभी अपनी मेहरबानी दिखाता जब पानी की जरूरत हो तब नहीं दिखाता, ये भी तो सरकारों से कौन सा कम है। लेकिन चलो इसकी तो मार को सहन कर लेंगे, लेकिन सरकार की मार को कैसे सहन करें, ये है सबसे बड़ा पॉइंट। ये ऐसे लगता है कि अभी हरियाणा या पंजाब के किसान मिलकर जो किसान आंदोलन था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, इसको भी एक साजिश के तहत तोड़ा गया था, एक टाइमिंग के हिसाब से इसको उठाया गया था, वह टाइमिंग आपकी समझ में भी आ गई होगी। अब जितने भी बड़े बड़े किसान नेता उनके बयान देखिए, उत्तर प्रदेश वाले भाइयों के बयान नहीं मिल पा रहे, हरियाणा से तो कहने ही क्या है, हरियाणा वाले भी जो बड़े नेता बोल रहे हैं कि मेरे को भी चुनाव लड़ना चाहिए या किसी पार्टी की मदद करनी चाहिए, भर छके नहीं हो भाई, चुनाव लड़कर या पार्टियों की मदद करके आप लोग आज तक छके नहीं हो के, कब छिकोगे ये बता दो, थारा छक्कण में नंबर आवे कौन है? उस तक बढ़िया आपने एक प्लानिंग बनाओ ना, हरियाणा और पंजाब के लोगों की एकता बनाओ, एकता बनाकर एक साथ करो, कोई आंदोलन करना है तो एक साथ, नहीं तो ये सरकार फिर बीच में कोई नया पंगा लेके आ जाएगी, उस पंगे को पहले सुलटेंगे, पहले अपनी जो मांगे हैं वो मनवाएंगे। जैसे ये होता आज पंजाब के अंदर, पंजाब के किसान CM भगवत मान के घर के बाहर बैठे हुए हैं, जाकर हालात देख लीजिए क्या हो रखे हैं, घर के बाहर बैठे हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। हरियाणा में क्या मिल रहा है किसानों को? बाजरे की MSP के लिए पंजाब वालों को बोलना पड़ रहा है, हरियाणा के किसानों को बाजरे की MSP दे दो। किसान क्यों नहीं उठ पा रहा? किसान इसलिए नहीं उठ पा रहा, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश का नेता हरियाणा वालों ने बनाया था, कम से कम ना जितना बड़ा नेता बना रखा है बोलने की इतना सेंस तो रखिए, बोल रहा है मेरे को पता ही नहीं था कि उद्घाटन में ऐसे JJP का को आ जाएगा, एक भाई बोल रहा है 4 PDO के संबंध है, दूसरा भाई क्या बात, आप नींद में जाकर उद्घाटन कर रहे थे क्या? आपके
पास में जेजेपी का मुखिया खड़ा है, आप उसके साथ हंसते हुए फोटो भी तरवा रहे हो, उसके बाद आप वीडियो भी बना रहे हो और फिर मना कर रहे हो। बिल्कुल ही मूर्ख समझ लिया जनता को कि तुम जो बोलोगे बस वही फाइनल है। ऐसे ही ऊपर वाले नेता, ऐसे ही किसान नेता, ये जो बोल लेंगे वो फाइनल है, बाकी जनता किसी की कुछ समझ में नहीं आने देना। इन चीजों को पकड़ो आप। और दूसरी चीज, जो इनकी आईटी सेल कर रही है, चाहे वो किसान नेता यूपी वाला है या हरियाणा वाला, अपनी आईटी सेल को थोड़ा समझा कर रखो। यूपी वाले जो लिख रहे हैं ना कि ये तो हरियाणा का और पंजाब का फूफा है, इसका क्या कर लोगे, अपनी आईटी सेल को रोक लो नेताजी, ना पता नहीं कहां के कहां मिलोगे। ये तो भूल ही जाना कि आप बड़े नेता के दुश्मन रहोगे, गांव में आप मेंबर नहीं बन सकते, इस चीज का भी सबको पता है। लेकिन जो इज्जत दी है ना, उस इज्जत को पचाना सीखो, आपका हाजमा खराब कर देगी ये जनता। हाजमा खराब और होने वाला है, वो तो होगा वो भी, लेकिन एक इज्जत दी जा रही है, उस इज्जत को पचाना सीख लीजिए। या अपनी आईटी सेल को रोको, आपका बड़े पोला अपने जो है वो सबको पता है, जितना बोलते हो। फिर आप बोलते हो कि मेरे को पता ही नहीं था कि उद्घाटन होना है। उसके बाद आते हैं हरियाणा पंजाब के लोग, अगर मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, फिर सरकारें एक्टिव हो जाती हैं, उनकी सोशल मीडिया एक्टिव हो जाती है। बचना इन चीज़ों से। और हाँ, जो अमृतपाल सिंह भाई के बारे में बोल रहे थे, वो पत्रकार तो मेरे को लगता है वो लिख के भी लाया था, सवालों को लिख के लाया था कि इसको कहीं ना कहीं फंसाएंगे, अलग देश की मांग कर रहा है, ये कर रहा है। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि सिर्फ सिक्कों के लिए बोला। वो इंटरव्यू आप पूरा देख सकते हो, वीडियो बार बार घूम रहा है आपके सामने, बार बार घूम रहा है वो वीडियो आपके सामने, बार बार आ रहा है। उसने तो कोई ऐसी मांग ही नहीं कि हम सिर्फ सिख अलग होना चाहते हैं, या हिंदुओं से अलग होना चाहते हैं, मुसलमानों से अलग होना चाहते हैं। वो तो कहा हम सब मिलकर रहना चाहते हैं, सब मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन ये सरकारें मिलने नहीं देती हमारे को। सबसे पहले तो ना सावधान हो जाओ हरियाणा और पंजाब की जनता। 14 अक्टूबर से पहले सोशल मीडिया और मीडिया में खेल खेल लेंगे, और 14 अक्टूबर को पता नहीं कौन सा एक तुगलकी फरमान जारी करेंगे। लेकिन आप लोगों को संभल के रहना है। अगर नहीं संभल कर रहे तो आप अपनी जिंदगी खराब कर बैठोगे, अपने बच्चों की जिंदगी खराब करवा लोगे। इन सरकारों की चाल में नहीं आना है। अगर सरकारों को ऐसे लग रहा है, SYL का ये समझौता कर सकते, आपको मुख्यमंत्री वोट देकर हरियाणा और पंजाब की जनता ने बनाया है। पहले हरियाणा और पंजाब की जनता से तो पूछिए उनके मन में क्या है, उनसे कोई राय पूछी गई? चंडीगढ़ का पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया, क्या लोगों से पूछा गया? वो एक तरफ तो आप हरियाणा और पंजाब को लड़वा रहे हो, क्या हरियाणा पंजाब से पूछा गया कि चंडीगढ़ का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जा रहा? नहीं पूछा गया, और ना ही आगे पूछा जाएगा, लेकिन फरमान जारी कर दिया जाएगा। तुगलकी फरमान पे फरमान आ रहे हैं। आप अपनी एकता बनाओ और आंदोलन जो करना है मिलकर आंदोलन करना सीखो, तब जीत हासिल होगी। अलग अलग कितने आंदोलन कर लिया, जीत हासिल नहीं होगी, ये याद रख लेना आप। आपको मिलना ही पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, और मिलकर आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी। ये सरकार आगे से आगे अपनी चाल चलती जा रही है ताकि आप लोग एक ना हो सको। जिसकी समझ में आ जाए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना भाई, ताकि और भाइयों तक पहुंच सके सरकारें क्या करना चाहती है हमारे साथ। इन नेताओं को भी बता रहे हैं एक लाइन पर आ जाओ, नहीं तो ना ऐसे नेता हजार देखें, जाओ अपने चुनाव लड़ो, अपनी जो पार्टी बना रहा पार्टी में चुनाव लड़ो, जिसने जिसके लिए वोट मांगनी हो वोट मांगो, जाओ करो अपना काम, लेकिन जनता का मूर्ख बनाना छोड़ दो। इस तुम्हारे से अच्छी ये जो पार्टियां होती है ना, कांग्रेस बीजेपी, इनकी भी किसान आईटी सेल होती है, वो भी इतना ही काम कर देंगे जितना तुम कर रहे हो। बोलना उनको भी आता है तुम्हारे से, तो फिर वो भी अच्छा बोल लेंगे। आज ये वीडियो इसलिए ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि इनके बारे में भी बताना जरूरी है, जो ये बीच में वो करते हैं। अपनी आंखें खोल लेना भाई, नहीं तो बाद में आंखें नहीं खुल पाएंगी, इतना लेट हो जाओगे। सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, और जो नया साथी जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लेना भाई, ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को शेयर करना आपका काम है, सच्चाई आपके सामने रखना हमारा काम है। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है भाई, जो बात होगी सच्चाई बोलेंगे आपके सामने। और बचना, 14 तारीख से इनकी चाल शुरू हो जाएगी। सभी साथियों को राम राम भाई।